हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का अकाउंट फ़ोनपे से कैसे लिंक करना है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अमेजॉन पे को इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का अकाउंट कैसे लिंक करना है। अमेजॉन पे पे जैसे ही आप कोई भी फर्स्ट ट्रांजेक्शन करेंगे, रिचार्ज, पे बिल्स या कोई भी यूपीआई ट्रांजेक्शन करेंगे, तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन पे ही हमें 50 रुपये का कैशबैक और कुछ ना कुछ रिवार्ड मिल जाता है। उसके बाद भी हम कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो हमें हर ट्रांजेक्शन पे कैशबैक या कुछ ना कुछ रिवार्ड तो जरूर मिलता है। और जो भी कैशबैक हमें मिलता है उसे देखने के लिए हमें किसी भी ऑफिशियल आईडी डॉक्यूमेंट के साथ इस ऐप को वेरीफाई करना होता है। तो ये सब मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा, क्योंकि ये स्टेप हमें वीडियो के लास्ट में ही करनी होती है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए और साथ में मैं आपको फर्स्ट ट्रांजेक्शन करके बताऊँगा और मुझे जो कैशबैक मिला मैं आपको इस वीडियो में जरूर बताऊंगा। चलो फ्रेंड्स, देखते हैं अमेजन को इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का अकाउंट कैसे लिंक करना है। सबसे पहले आपको अमेजन की ऐप को प्ले स्टोर से अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपको अमेजन की ऐप को अपना मोबाइल नंबर डाल के इसको लॉगिन कर लीजिए। बाद में हमें अमेजन पे इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप जैसे ही अमेजन पे इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरीके के ऑप्शन दिख जाएंगे। उसके बाद आपको अमेजॉन पे बैलेंस और अमेजॉन पे यूपीआई, अमेजॉन पे यूपीआई इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको यह करना है प्रोसीड। आप जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपको बैंक की लिस्ट दिख जाएगी, जैसे हमने फोन पे में किया था। इसमें हमें देखना है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, जिस नंबर पर हमने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का अकाउंट निकाला है उसी नंबर पे हमें अमेजॉन की ऐप को भी लॉगिन करना है, तभी हमारा बैंक अकाउंट अमेजॉन के साथ लिंक होगा, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ पे हमें इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का अकाउंट सर्च कर लिया है। इसके बाद इसे कुछ परमिशन देनी होती है, तो इसे आप एलो कर दीजिए, वेरीफाइंग यूअर मोबाइल नंबर। ये प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाएगी, इस समय आपके मोबाइल में बैलेंस होना ज़रूरी है। ये प्रोसेस पूरी होने के बाद हमें करना है कंटिन्यू पे क्लिक। आप जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपका अमेजॉन पे का यूपीआई आईडी बन जाएगा। यहाँ पे हमें पेमेंट्स बैंक का नाम शो हो रहा है, उसके नीचे आपका अकाउंट नंबर दिख रहा है, उसके नीचे मोबाइल नंबर के साथ यूपीआई आईडी दिख रहा है। इसके बाद हम यहाँ से बैलेंस चेक करेंगे। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, आपने फ़ोनपे में जो भी यूपीआई का पिन सेट किया था वही यूपीआई पिन आपको यहाँ डालना है। इस यूपीआई आईडी को हम दूसरा यूपीआई पिन सेट नहीं कर सकते। आप कितनी भी अलग अलग ऐप की अलग अलग यूपीआई आईडी बना लो, आपने जो पहले ऐप में यूपीआई पिन सेट किया था वही यूपीआई पिन हम सभी ऐप में हमें यूज करना है। ये हमारी अमेजॉन पे की यूपीआई आईडी बन गई है। इसके बाद हम देखेंगे कि फर्स्ट ट्रांजेक्शन पे 50 रुपये का कैशबैक कैसे लेना है। तो हम मोबाइल का रिचार्ज करके देखेंगे। यहाँ पर हमें जिस नंबर पर रिचार्ज करना है वो नंबर यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आपको आप जिस नंबर पे रिचार्ज कर रहे हैं वो किस कंपनी का है, यहाँ पे ऑपरेटर नेम में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद सर्कल, आप किस सर्किल स्टेट से है वो आपको यहाँ पे डालना है। और उसके बाद एंटर प्लान अमाउंट, यहाँ पे व्यू प्लान पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जो भी रिचार्ज करना है, जो भी प्लान सिलेक्ट करना है, यहाँ पे हमें उस प्लान को सिलेक्ट करना है। मुझे 209 रुपये का रिचार्ज करना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। उसके बाद आपको यह करना है कंटिन्यू। आप जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपकी रिचार्ज की प्रोसेस चालू हो जाएंगी। आप जैसे ही स्वाइप टू पे करेंगे आपका रिचार्ज कन्फर्म हो जाएगा। इससे पहले आपको मोबाइल नंबर चेक करना है और आपने जिस प्लान को चूज़ किया है उसे चेक करना है स्वाइप टू पे। स्वाइप टू पे के प्रोसेस के बाद आपको आपका जो भी यूपीआई पिन है उसे डालना होता है। प्रोसेसिंग पेमेंट प्लीज वेट। इसके बाद आपको यूपीआई का पिन डालना है। आप जैसे यूपीआई का पिन डालेंगे आपकी प्रोसेस चालू हो जाएगी। ये प्रोसेस चालू होने के बाद आप इसे बैक नहीं कर सकते। यह हमारा रिचार्ज सक्सेसफुल हो गया है 209 रुपये का। इसके बाद हम देखेंगे कि हमें कैशबैक मिला या नहीं। आप नीचे देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव बीन रिवार्डेड, 50 रुपये का कैशबैक मिल गया है। उसके बाद एक आपको
स्क्रैच कार्ड भी मिल गया है। इस स्क्रैच कार्ड को कैसे अनलॉक करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद इस पर हमें करना है क्लिक। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे इसे करना है स्क्रैच, और स्क्रैच करने के बाद आप देख सकते हैं क्लिक गेट फ्लैट 20 रुपये का कैशबैक, मिनिमम ऑर्डर 20 रुपये, यानी कि कम से कम हमें 20 रुपये से ऊपर की ऑर्डर करनी है। इसके बाद आप जैसे ही कलेक्ट नाउ पे क्लिक करेंगे आपको पता चल जाएगा कि इसे कैसे यूज़ करना है। स्कैन और पे, आपको इसे लेने के लिए इसकी वैलिडिटी के पहले आपको इसे यूज करना है। स्टेप टू रिडम, आपको जो भी स्क्रैच कार्ड मिला है उसे आप अपने मोबाइल में देख सकते हैं। मुझे जो मिला है वो मुझे 28 फरवरी के पहले यूज़ करना है, और कम से कम 20 रुपये के ऊपर का ट्रांजेक्शन करना है, और ट्रांजेक्शन होने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ये कैशबैक मिल जाएगा। आप अपने मोबाइल में देख सकते हैं। इसके बाद मुझे जो 50 रुपये का कैशबैक मिला है मैं आपको बताता हूँ। हमें करना है अमेजॉन पे पे क्लिक। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको 50 रुपये का कैशबैक दिख रहा है। इसके बाद हमें बाजू में सेटअप पे क्लिक करना है। इसे कंटिन्यू करने के लिए प्लीज़ वेरीफाई यूअर डिटेल टू कंटिन्यू, यानी कि किसी भी ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट आईडी के साथ इसे हमें वेरीफाई करना है। तो आप नीचे ये ऑप्शन देख सकते हैं ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट आईडी, इस पर हमें करना है क्लिक। सिलेक्ट आईडी टाइप में हम पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, किसी भी एक डॉक्यूमेंट के साथ हमें इसे वेरीफाई करना है। तो चलो मैं अब इसे वेरीफाई करता हूँ। आप जिस डॉक्यूमेंट को चूज़ करेंगे उसके बाद उस डॉक्यूमेंट का हमें यहाँ पे नंबर डालना है और इसे करना है कंटिन्यू। आपने सब डिटेल सही डाली हो तो ये सक्सेसफुल हो जाएगा। सक्सेसफुल होने के बाद आपको मैसेज आ जाएगा, ये हमारी प्रोसेस सक्सेस हो गई है। इसके बाद हम ये देख सकते हैं अमेजॉन पे बैलेंस, यहाँ पे करंट बैलेंस दिख रहा है 50 रुपये का, यानी 50 रुपये का जो कैशबैक मिला था हमें ये यहाँ पे शो हो रहा है। कैशबैक रिसीव फॉर रिचार्ज बिल पेमेंट ऑफर, हमने जो रिचार्ज किया था उस पर हमें ऑफर थी, तो ये 50 रुपये का कैशबैक आप इस तरीके से ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अमेजोन पे को IBP का अकाउंट लिंक कर सकते हैं, और उसके बाद जो भी ऑफर रहेंगी उसे आप यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा कैशबैक पा सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।